ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, आपने यही कहा ना अपने ऑर्डर्स में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हमारे कैंडिडेट्स के एमपीओ चैलेंज किए किस किस को, हम फिर यही काम करते रहे इलेक्शन तो फिर ना करें हम लड़े। अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है इनके कैंडिडेट्स के, तो एक कभी कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ, एक बता देंगे इनके कैंडिडेट्स क्या मतलब कर ले तकरीर बाहर। आई एम श्योर आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर ले, वो सारी मीडिया पे चल पड़ेगी। एक चीज अब आप कोर्ट और अगर आप ये नहीं समझते कि इस अदालत में और बाहर कोई फर्क है, हम इस फर्क को बरकरार रखेंगे। यू और योर पार्टी और योर कैंडिडेट्स, इफ देयर इज, वी आर नॉट रनिंग द गवर्नमेंट नाउ, वेयर 144 इज इम्पोज और नॉट इम्पोज, दैट विल अप्लाई टू एवरीबडी, वेदर इज दिस पोलिटिकल पार्टी और दैट पोलिटिकल पार्टी और एनी ग्रुप ऑफ पर्सन। सो हाउ कैन यू से इट्स अगेंस्ट यू? If 144 is allowed, it's against everybody then. Please respond. वो तो वैसे ही जाने लायक नहीं है अवाम में, वो तो चाहते ही नहीं है कि जाएं। ये हमारे ही लिए 144 लगा है सिर्फ। और दूसरा, तीन एमपीओ हमारे ही कैंडिडेट्स के खिलाफ, तीन एमपीओ की डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं। ये तो हमारे पास कोई चैलेंज हो जाएगा एमपीओ का ऑर्डर, हम देख लेंगे। अगर कैंडिडेट्स इतने असर रसूख रखते हैं और उनको ये नहीं पता कैसे चैलेंज करना है चीजें, जो कि हाईकोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, पता नहीं कौन से एमपीओ के हैं ना तो हमारे सामने हैं, बस आप जबानी बातें कर रहे हैं। कुछ आप हमें लिस्ट ही दे देते, ये एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ये चैलेंज हम देख लेते किस तरीके से ने जारी किए हैं अगर आप चाहते, मगर ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं आता है। चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, वहां भी चैलेंज कर सकते हैं। आपको बलूचिस्तान में क्या होगा, शायद कोई सिंध में क्या होगा, हमें नहीं पता, आपको बताएंगे ना एमपीओ जो ऑर्डर। अब इनका ताल्लुक क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एमपीओ से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है एमपीओ ऑर्डर्स, जो कर रहा है कम से कम उसको पार्टी तो बना दें प्लीज। अब if I may, my lord, just one second. You just use consuming time. You're not responding to anything. My lord, if I may just add one sentence. MPO का order कौन करता है? District returning officer कर रहे हैं. They are the deputy commissioners and they are the DROs. Challenge them if they are. ये level playing field है. आपने यही कहा ना अपने orders में कि एक level playing field दें. ये level playing field है कि हमारे candidates के MPO. आपने challenge किए हैं high courts में, MPO's order challenge हुए हैं या सिर्फ नहीं हुए हैं अभी? सिर्फ कहीं कहीं तो हुए हैं, और रोज जो issue कर देते हैं, तो किस किस को, हम फिर यही काम करते रहे इलेक्शन तो फिर ना करें हम लड़े। अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है इनके कैंडिडेट्स के, तो एक कभी कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ, एक बता देंगे इनके कैंडिडेट्स क्या मतलब। मैं इनका मतलब ये नहीं है सरकार, मतलब दूसरे जो पार्टी नहीं। देखिए जब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रिसाइज होती है। अब आपने एक बात और छेड़ दी, इनके कैंडिडेट्स क्या आप चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, किन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? ये तो कंस्पिरेटर, ये सारा जो है इन्होंने, दे आर ऑल, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, जमात इस्लामी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, वो सारी आपके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही हैं। सर पीडीएम की गवर्नमेंट, भाई आपके हिसाब से हम सवाल पूछ रहे हैं ना, पीडीएम की गवर्नमेंट तो अब नहीं है ना, नहीं अब तो कैटेगर गवर्नमेंट चल रही है ना। जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप हेडलाइंस कैप्चर करना चाह रहे हैं, दूसरी बात है इनके कैंडिडेट्स, भाई या तो इन कौन है, इनसे मैं समझ तो जाए बात को, डोंट मेक दिस जस्ट डिबेटिंग। आप कर ले तकरीर बाहर, आई एम श्योर आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर ले, वो सारी मीडिया पे चल पड़ेगी। एक चीज अब आप कोर्ट और अगर आप ये नहीं समझते कि इस अदालत में और बाहर कोई फर्क है, हम इस फर्क को बरकरार रखेंगे।